मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर नीड्स में। दोस्तों, आज हम उस शख्स के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे जो रिलायंस के असली अनऑफिशियल सीईओ है। रिलायंस के हर फैसले में वह अहम भूमिका निभाते हैं। साथों साथ मुकेश अंबानी के गुरु, मुकेश अंबानी के राइट हैंड, रिलायंस में मास्टरमाइंड के नाम से पहचाने जाने वाले और मुकेश अंबानी को भाई अनिल अंबानी से भी ज़्यादा प्रिय व्यक्ति मनोज मोदी को भारत में बहुत कम लोग पहचानते हैं। एकदम शांत मगर बहुत प्रभावशाली और गहरी सोच रखने वाले मनोज भाई मोदी को मुकेश अंबानी ने मुंबई के नेपियन सी रोड स्थित 22 मंजिला बिल्डिंग वृंदावन गिफ्ट के तौर पर दी है, मतलब तोहफे के रूप में दी है। तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की कीमत वाली इस बिल्डिंग को भारत के सबसे अमीर परिवार अंबानी से गिफ्ट में पाने वाले मनोज भाई मोदी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। रिलायंस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं और रोज ही रिलायंस के नाम कहीं ना कहीं सुनते हैं या कहने में आते हैं। भारतीय बाजार में जहां देखो वहां रिलायंस का बोलबाला है। तकरीबन हर क्षेत्र में रिलायंस कंपनी ने अपना विस्तार किया है और आज भारत की नंबर एक कंपनी बनी है। मगर इस नंबर एक कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाने में जिसका सबसे अहम योगदान है, उस शख्स के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि मनोज भाई मोदी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर एक्टिव नहीं है। ना ही वो किसी शोबाजी में शामिल होना पसंद करते हैं। रिलायंस में उनका महत्व आप इसी बात से समझिए, जब मनोज भाई मोदी की छोटी बेटी भक्ति मोदी का विवाह तय हुआ तब मुकेश अंबानी ने स्वयं अपने घर से मनोज भाई मोदी की बेटी की विदाई की और अब इतनी महंगी इमारत उनको गिफ्ट के तौर पर दी है। ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। मनोज मोदी का जन्म 3 जुलाई 1957 में एक गुजराती परिवार में हुआ। उन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई गुजरात में ही की है और बॉम्बे यूनिवर्सिटी मतलब अब की मुंबई यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री ली है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि यहीं पर उनकी मुलाकात मुकेश अंबानी से हुई थी और पढ़ाई के दौरान ही उनमें गहरी दोस्ती हो गई थी। रिलायंस इंडस्ट्री में मनोज मोदी की एंट्री भी मुकेश अंबानी के जुड़ने के बाद ही मतलब 1980 में हुई है। तब से अब तक मनोज भाई मोदी रिलायंस के हर अहम फैसले में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी प्रोजेक्ट, पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, रिलायंस के रिटेल और रिलायंस जियो जैसे प्रोडक्ट पर वह काम कर चुके हैं। 2020 में रिलायंस ने फेसबुक के साथ 43,000 करोड़ रुपए की डील की थी। इस डील को सफल कराने में मनोज भाई मोदी की खास भूमिका रही है। 2010 में बजट एयरलाइंस एयर डेक्कन को रिलायंस ने खरीदा, जिसकी डील मनोज भाई मोदी ने ही कराई थी। तब एयर डेक्कन के संस्थापक जीआर गोपीनाथन ने मनोज मोदी के बारे में कहा था कि उनके स्मार्ट और सक्षम बातचीत कौशल्य से प्रभावित होकर उन्होंने यह डील करी है। मनोज भाई मोदी को धीरूभाई अंबानी अपने बेटों के बाद सबसे नज़दीकी व्यक्ति के तौर पर पसंद करते थे। अब जानते हैं मनोज भाई मोदी के बारे में कुछ खास रोचक और विवादित बातें। मनोज भाई मोदी के विजिटिंग कार्ड पर किसी भी पद का उल्लेख नहीं है, ना ही वह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भी शामिल होते हैं। मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ली गई हर फैसले को मनोज भाई मोदी ही फाइनलाइज करते हैं। भारतीय आयकर विभाग ने इंडिविजुअल हाईएस्ट टैक्स पेयर के रूप में टैक्स चुकाने पर मनोज भाई मोदी को राष्ट्रीय सम्मान पत्र प्रदान किया हुआ है। 2007 में मनोज मोदी और उनकी पत्नी स्मिता मोदी पर इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों की इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे थे। उन्होंने तब 4 दिन के भीतर 257 करोड़ के 1,00,000 शेयर खरीदे थे, मगर बाद में सेबी ने उनको क्लीन चिट दे दी। तकरीबन 1,00,000
70 वर्ग फीट के 22 मंजिला वृंदावन बिल्डिंग की शुरू की 7 मंजिले सिर्फ पार्किंग की है और इसमें मनोज भाई मोदी का 6 लोगों का परिवार रहता है और उनका ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में है। मनोज भाई मोदी ना ही ज़्यादा सफ़र करते हैं और ना ही ज़्यादा स्ट्रेटेजी की समझ रखते हैं, वह सिर्फ रिलायंस के अंदर के लोगों से निपटते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। अपनी ईमानदारी और बेहद लो प्रोफाइल में रहने वाले मनोज भाई मोदी असल में रिलायंस के ट्रुप के इक्के हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको हमेशा देते रहूँ। थैंक यू।